Barman the errand boy. कितनी गर्मी है और ऊपर से ये पूरे शहर की चौकीदारी। हाँ देखो तो कितने मजे से सो रहा है। अब कुछ भी हो जाए ये पोशाक उतारनी पड़ेगी, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। गर्मी से बेहतर होगा इसे उतार दूँ। मुझे माफ कर दीजिए। क्यों करूं? मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मुझे नहीं पता था मुझ में इतना दम है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तो हद हो गई है। तुम तो यहाँ ऐसे रहते हो जैसे ये तुम्हारा अपना घर हो। लेकिन अरे तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना, बोलो। अरे अब इसमें मैं क्या बोलूं? ये सब तो तुम्हारी ही लापरवाही का नतीजा है। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मैं लापरवाह हूँ तो तुम भी हो, समझे? अब बस भी करो और लड़ना बंद करो। नहीं मैं नहीं, वही मुझसे लड़ रहा था। अब यहाँ पर तुम्हारा आना जाना बंद, समझ गए? लेकिन मुझे तो आना ही पड़ेगा, प्लीज मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी, यकीन मानिए। नहीं पर मैं। अच्छा ये पाइप मुझे दीजिए, मैं पौधों को पानी डालता हूँ, दीजिए ना। मैंने तुमसे कहा ना ये फैसला नहीं बदलेगा। अरे बात तो सुनिए। अरे नहीं, फिर से मुझे तंग किया। अरे नहीं अब तो ये गया काम से। बस बहुत हो गया। लेकिन मैं, तुम अभी तक यही हो? मैंने तुमसे कहा ना जाओ। हेलो गांको, तुम्हारी नोटबुक रह गई? ओ हाँ वो यही है। अच्छा ठीक है गांको, मैं रखती हूँ। ओहो इन्हें कैसे मनाऊं? सुनो परमैन जी, मेरे लिए कोई काम है? तुमने मुझसे अभी अभी कहा था ना कि तुम कोई भी काम करोगे। जी हाँ कोई भी काम, आप कहिए तो। तो आज के दिन तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करने को कहूँगी। फिर तो आप मुझे यहाँ आने देंगी ना? बताइए आने देंगी ना? ठीक है तो फिर सुनो, ये ले जाकर गांको को दे दो, वो लाइब्रेरी में है। जी मम्मी। अरे मैं उन्हें मम्मी कैसे बोल गया, गलती हो गई गलती। ये लो। शुक्रिया परमैन। मर गया, ये तो पूरी की पूरी भीग गई है, देखता हूँ। जानता हूँ गांको तो मुझे बिल्कुल माफ नहीं करेगी। अच्छा क्या गांको सुआ यहाँ है? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। ये तो खराब हो गई, थोड़ी सी भीग गई है। अब ये तो मेरे किसी भी काम की नहीं है। नहीं नहीं तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो। मैंने तुमसे कहा ना ये मेरे किसी भी काम की नहीं रही। कर लो बात, अब तो मैं गया काम से। ओ तुम सही वक्त पर आए परमैन, मैं तो बस शॉपिंग के लिए निकल ही रही थी। ठीक है तो मैं यहाँ रुकता हूँ। नहीं मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो। मैं वहाँ आकर क्या करूँ, मेरी वहाँ क्या जरूरत? चलो साथ में, वहाँ पहुँच कर खुद ही समझ जाओगे। लो पहुँच गए। तुम्हें सबसे आगे पहुँचना है। लेकिन अब जाओ। हाँ ठीक है अभी जाता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं, खुद को क्या समझते हो? इसे उठाकर फेंक देते हैं। माफ कीजिए। ठीक है इन्हें अभी मजा चाहता हूँ। चलो आगे बढ़ो। जा रहा हूँ। अब इसमें से अपनी मनपसंद चीज ले लीजिए। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी इतनी बेइज्जती करवाओगे तो मैं अकेली ही वहाँ पर चली जाती, तुम्हें कभी नहीं ले जाती। मैंने तो बस वही किया जो मम्मी ने करने को कहा था। तुमने ही तो उनसे वादा किया था उनका हर काम करोगे, हार गए क्या? हार गया? अरे हाँ तुम परमैन बन जाओ। क्या? नहीं बाबा मैं नहीं। नहीं कैसे, तुम मेरे रोबोट हो, मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना ही पड़ेगा, समझे? मैं ही काम नहीं करूंगा। रुको, नहीं करूंगा। परमैन जाओ, मम्मी तुम्हें बुला रही है। पता नहीं अब और क्या काम करवाना चाहती है, कोई मुश्किल काम ना दे दे। बताइए क्या काम है? ये लो ये सामान अंकल के घर होकाइडो में पहुंचा दो। होकाइडो? जल्दी करो वरना सब खराब हो जाएगा, तुम्हारे लिए तो ये चुटकी भर का खेल है। वो थोड़ी नहीं बल्कि बहुत दूर लेकिन है। लेकिन तुम तो परमैन हो ना, बस एक कूद मारो और झट से वहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन अब जल्दी करो। हाँ जाता हूँ, अकेले जाना तो बहुत बोरिंग होगा। अरे हाँ भूमि को बुला लेता हूँ।
प्लीज बुबी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं वहाँ अकेले नहीं जाना चाहता। क्या कहा, पहले केला दूं? ओहो बूबी, तुम बिना हमेशा मुझसे हर काम की रिश्वत मांगते हो। अच्छा अच्छा ठीक है, देता हूँ देता हूँ। अच्छा तो ये है होकाइडो, अब मुझे बस अंकल को ढूंढना है। अरे वो देखो बूबी, अंकल सुनिए। हाँ? अरे तुम कौन हो भाई? मुझे मिसेस सुआ ने यहाँ पर भेजा है। यानी बहुत दूर से आए हो? आराम से बैठो, इसे अपना ही घर समझो। तुम बहुत थक गए होगे ना? मिसेस सुआ ने इसे भेजा है और कहा है कि जल्दी से खा लेना वरना ये खराब हो जाएगा। हाँ ठीक है, शुक्रिया परमैन। पता नहीं इसमें क्या है, शायद गर्मी को दूर करने के लिए कोई ठंडी चीज भेजी होगी। मुझे भी यही लगता है। हाँ होकाइडो बहुत ही अच्छी जगह है अंकल। हेलो कौन बोल रहे हैं? ओ आप बोल रही हैं? हाँ वो यही है। ये लो तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाई हूँ। आइसक्रीम? परमैन, मित्सुओ की मम्मी ने कहा है कि अभी घर वापस पहुँचो। ओ, अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो मम्मी फिर से नाराज हो जाएंगी, क्या करूँ। आइसक्रीम के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं अंकल, बाय बाय। आराम से जाना। जी हाँ। हिया, मम्मी तो बहुत तंग कर रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है बूबी? मैं आ गया। इतनी देर कैसे लग गई तुम्हें? जितनी जल्दी आ सकता था आ गया, अब क्या करूं? इसका ढक्कन खो गया है। तो आप चाहती है मैं उसे ढूंढूं? हाँ, वो यही कहीं गिर गया था, अब मिल ही नहीं रहा। अच्छा तो इसका मतलब आपने इतने छोटे से काम के लिए मुझे इतनी दूर से बुला लिया? हाँ तो क्या हुआ, अब जल्दी से उठाओ इसे। ठीक है। अरे नहीं, तुम तो बेकार हो। देखिए मुझे मिल गया, और कांच भी टूट गया। ओ देखते देखते एक और नुकसान हो गया। अरे नहीं, बाजार से सब्जियां लाना तो मैं भूल ही गई। नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता। फिर आज के बाद यहाँ आने की हिम्मत भी मत करना। नहीं नहीं मैं जरूर करूँगा, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। जल्दी जाओ। हाँ देखो परमैन सब्जी खरीद रहा है। दिन आ गए हैं, सब्जियां खरीदनी पड़ रही है। ये लो, और तुम्हें क्या क्या चाहिए? कुछ भी दे दो, बस जल्दी करो। बड़ी जल्दी आ गए। लीजिए। अरे ये क्या, मैंने गोभी मूली लाने को कब कहा था? अच्छा नहीं कहा था तो... तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो परमैन, अब जाकर गांको की पढ़ाई में मदद करो, कम से कम वो ठीक से करना। पढ़ाई? तुम तो परमैन हो ना, तुम्हें तो हर चीज में माहिर होना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना परमैन? चलो मैं तो थक चुका हूँ। परमैन मेरी होमवर्क में मदद करो ना। नहीं मैं नहीं करूँगा, तुम खुद ही कर लो, तुम होशियार हो ना। मम्मी मम्मी मम्मी, परमैन मेरी मदद नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, चिल्लाओ मत। लाओ मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद करता हूँ, लेकिन चिल्लाओ मत। ये जवाब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। हाँ ये परमैन भी ना, मुझे लगता है मित्सुओ तुमसे ज्यादा अच्छा है। परमैन जी, 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 अब उठ जाओ।